एक विचार किया जा रहा है कि पूतना गोकुल में आई और गोकुल में ही उसका नाश किया गया, भगवान ने गोकुल में उसका वध किया। और सबसे पहले भगवान के पास ये ब्रजवासियों के पास स्त्री आई, पूतना आई, इसमें भगवान का क्या रहस्य है? इस लीला में बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ कही जा रही है। जातश्चेदिह कश्चनापि भगवत सेवानुरक्तेन्द्रियो विघ्नस्तत्र वरांगना प्रथमतः प्रादुर्भवत उत्कट तन्निष्ठात्मनि चेत् दृढ़ा अतुलदयस्तम विघ्नमुत्सारयत् इति अबोधिति पूतना गमनतस् तन्नाशतो गोकुले। गोकुल में ही पूतना को बुलाया गया या आई और गोकुल में उसका नाश हुआ, इस लीला द्वारा एक संकेत कर रहे हैं भगवान। क्या संकेत है कि देखा जाता है कोई व्यक्ति भाग्य से भगवत सेवा अनुरक्तेंद्रिय होता है, उसकी इंद्रियां भगवान में लगती हैं, वाणी कान और हाथ पैर सभी भगवान की सेवा में लगते हैं। गोकुल इंद्रियों का समुदाय जब भगवान में अनुरक्त होता है, वैसे परम वैष्णव के जीवन में सबसे जो पहली बाधा आती है इस संसार में वो है वरांगना। यदि एक तो भगवान में इंद्रियों का लगना कठिन है, गोकुल का लगना कठिन है, और लग गया तो विघ्नस्तत्र वरांगना प्रथमतः प्रादुर्भवत उत्कटम। प्रथम वरांगना सुंदरी कोई बहुत बड़े विघ्न के रूप में होती है, परंतु यदि भगवान में निष्ठा है भक्त की खूब जम करके, तो भगवान उसके उस विघ्न को दूर कर देते हैं। पूतना के ब्रज में आगमन, गोकुल के पूतना का गोकुल में आगमन और इस नाश द्वारा भगवान यही संकेत कर रहे हैं इस लीला द्वारा। ध्यान रखना चाहिए कि प्रतीक नहीं है, लीला सत्य है और लीला द्वारा यह संकेत किया जा रहा है गोकुल में उसका आना और गोकुल में मर जाना। भक्तों के इंद्रिय समुदाय में इस तरह विषय प्रवेश करता है, लेकिन निष्ठा भगवान के चरणों में होती है तो भगवान इस विघ्न का निवारण कर देते। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.